टाटा ट्रस्ट ने की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा। टाटा ट्रस्ट ने शनिवार को कोविड-19 से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन एन टाटा ने कहा कि भारत और दुनिया में वर्तमान हालात गंभीर चिंता के विषय है और तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है। कॉरपोरेट डिले का एक सबसे बड़ा नमूना देश करते हुए टाटा ट्रस्ट ने शनिवार को कोविड-19 से लड़ाई के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन एन टाटा ने कहा कि भारत और दुनिया में वर्तमान हालात गंभीर चिंता के विषय है और तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है। टाटा ने कहा, इस अत्यंत कठिन समय में है, मैं मानता हूँ कि मानव जाति के सामने खड़ी एक सबसे कठिन चुनौती कोविड-19 संकट से लड़ने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल आपात संसाधनों को लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा के साथ सभी प्रभावित समुदायों को बचाने और सशक्त करने का संकल्प किया है। इस राशि का उपयोग अग्रिम खर्चों पर खड़े चिकित्सालयों को की रक्षा के लिए, निजी उपकरण इलाज कर मामलों के लिए, रेस्पिरेटिंग सिस्टम्स पर कैपिटा जांच की संख्या बढ़ाने के लिए, टेस्टिंग किट्स संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए, मॉड्यूलर ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्थापित करने के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों का व आम नागरिकों के ज्ञान प्रबंधन व प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस संकट से निपटने के लिए प्रतिबंध स्थानीय और वैश्विक साझेदारियों तथा सरकार के साथ मिलकर एक संयुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सहकारिता मंच बनाया है, जो वंचित और कमज़ोर तबके के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। टाटा ने कहा, बयान में कहा है कि हम सदस्य संगठनों के इस हर व्यक्ति के प्रति अत्यंत आभारी है और उनके प्रति आभार आदर करते हैं, जिन्होंने इस महामारी से लड़ने के लिए अपनी ज़िंदगी और सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया है।